दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका, मैंने पोस्ट के माध्यम से आपको बताया था कि मेरे चचेरे भाई का शादी था, जिसके कारण दोस्तों मैं कल वीडियो शूट तो कर लिया था लेकिन एडिट नहीं कर पाया था, जिसके कारण से वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो दोस्त उसी वीडियो को मैंने आज सुबह 9 बजे अपलोड किया, तो आपने देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में मिल रहा होगा, उसको आप देख लीजिएगा। दोस्तों मैंने ग्रीन वर्क के बारे में वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने बताया है कि उसमें 7 प्रकार से कैसे आप इनकम कर सकते हैं, पूरा उसको डिस्क्राइब किया है, पूरा डिटेल में बताया है, तो उसको देखना होगा तो प्लीज आप वहां से देख सकते हैं। तो दोस्त जैसा कि मैंने बताया वो कल मेरे चचेरे भाई का शादी था, तो उसका कुछ झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कुछ मैंने मौज मस्ती किया था, मैंने कुछ शूट किया था, तो मैं चाहता हूँ कि आपको थोड़ा सा दिखा दूं, ठीक है। उसके बाद आज का टॉपिक मैं आपको बताऊंगा कि इस पे बात करने वाला हूँ, क्या टॉपिक पे चर्चा करने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा झलक आप देख लीजिए दोस्तों, ये देखिए ये हमारे भाई का तिलक है और ये देखिए लग गया हम ये दोस्तों, ये देखिए दोस्त, ये देखिए दोस्तों, ये एंजॉय हम लोग कर रहे हैं, गुब्बारा फोड़ने वाला एंजॉय, ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो में जरूर लिखे, मतलब कमेंट में लिखेगा, कमेंट में लिखेगा, ठीक है। और कुछ बोलना है? नहीं नहीं, हमको नहीं कुछ बोलना है, आप बोलिए। दोस्त इंजॉयमेंट यही होता है, वो चुन के ला देखिए भोग दिया आप तो दोस्तों आपने झलक देख लिया, कैसा लगा प्लीज कमेंट में लिखिएगा। बहुत मस्ती किया, हालांकि मस्ती तो मैंने बहुत किया था लेकिन शूट नहीं कर पाया, थोड़ा शूट किया था मैंने आपको दिखा दिया। अब दोस्त आज के टॉपिक के बारे में बता रहा हूं कि आज का क्या टॉपिक है। दोस्त आपको याद होगा मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दिखाया था आपको एक गूगल पिन जो मिला है मुझे YouTube, जैसा कि आप जानते हैं कि हर यूट्यूबर को जो YouTube चैनल बनाए हुए हैं उनको एक गूगल पिन आता है, अमेरिका से एक लेटर मिलता है जो आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करने के लिए वो देता है, एड्रेस को वेरीफाई करता है। तो उस पिन को मैंने दिखाया था आपको, जो मैंने डाकिया से उसको लिया था, पोस्टमैन जो मैंने है उनसे मैंने कलेक्ट किया था, तो आपको मैंने वीडियो के माध्यम से वो दिखाया था। दोस्त उस वीडियो को भी आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का भी लिंक ऊपर आई बटन में मैंने दे दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं जो गूगल पिन है कैसे उसको अप्लाई किया जाता है, कैसे उसको सिस्टम में जाकर के क्या करना पड़ता है, वो सारा कुछ मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ। दोस्त जानकारी लेना बहुत जरूरी है क्योंकि आप भी भविष्य में यूट्यूबर बनिएगा, आप भी अपना चैनल बनाइएगा, तो ये जरूरी है कि ये जो पिन आता है कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, इसकी जानकारी दोस्तों आपको भविष्य में बहुत मदद करेगा, इसलिए जानकारी इसका लेना मस्ट है, ठीक है। तो जो लोग YouTube चैनल पे काम करना चाहते हैं, अपना YouTube चैनल तक करियर बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत जबरदस्त है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और इसी उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा मैं इस वीडियो को शुरू करने जा रहा हूं। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट मुकेश कुमार स्वागत करते हैं आपको डोंट वरी YouTube चैनल में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कीबोर्ड 91 और ग्रीन वर्क से रिलेटेड वीडियो बनाता हूं, और साथ ही साथ दोस्तों मैं YouTube टिप्स भी देना शुरू कर दिया हूं। जी हाँ दोस्तों, आपको मालूम होगा मैंने आपको बताया था कि मैं YouTube के बारे में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर प्लीज शुरू कर दीजिए, बताना शुरू कर दीजिए सर, प्लीज बताइए, प्लीज हेल्प कीजिए। तो दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं एक प्लेलिस्ट तैयार किया हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं एक प्लेलिस्ट तैयार किया हूं, आप मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, इसका नाम है यूट्यूब टिप्स। उसमें दोस्तों मैं YouTube से रिलेटेड वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो जो मेरे भाई को देखना होगा, YouTube के बारे में जानकारी लेना होगा, तो वहां से मेरे प्लेलिस्ट में जाके उस YouTube टिप्स में सारे वीडियोज आपको मिलेंगे, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक है। दोस्त आज का जो वीडियो है वही मैं YouTube टिप्स में डालूंगा, क्योंकि YouTube से रिलेटेड है इसलिए वहीं पे डालूंगा, इसलिए आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं अपने मोबाइल में ले जाके कि कैसे क्या करना होता है। वो जो गूगल पिन है, देखिए आप यहां पे देख रहे होंगे, उस गूगल पिन को मैं आपको दिखा भी रहा हूं, उस गूगल पिन को कैसे यूज करते हैं, क्या करते हैं, सारा कुछ मैं आपको जानकारी देने वाला हूं अपने मोबाइल में ले जाके। तो आप लोग तैयार है? तो भैया आप लोग तैयार क्यों नहीं हुए, है ना, जानकारी तो चाहिए। तो चलिए मेरे मोबाइल में, तो दोस्तों लीजिए मैं अपने मोबाइल में आ गया हूँ, मेरे मोबाइल का इंटरफेस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब दोस्त मैं आपको बताता हूँ कि जब आप यूट्यूब चैनल आपका होगा या फिर आपका है, तो जाहिर सी बात है आपको एक गूगल एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है, क्योंकि जब चैनल मोनेटाइज होता है तो गूगल एडसेंस होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो वो तो मैं बताऊँगा आगे के वीडियो में बताऊँगा, जब यूट्यूब के बारे में वीडियो बनाऊँगा तो उसके बारे में बताऊँगा कैसे गूगल एडसेंस का अकाउंट बनाया जाता है, तो और ये कैसे पिन मंगवाया जाता है जो मुझे मिला है, ये पिन यही मैं बताऊँगा। लेकिन फिलहाल चूँकि ये आ गया है, तो आने के बाद क्या करना होता है ये सीख लीजिए, भविष्य में काम ही देगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, बस यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो है गूगल,
ओपन करते हैं यहाँ पे दोस्तों क्रोम, ये आप देख सकते हैं जो क्रोम है इस क्रोम को हम ओपन करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे मेन्यू करता हूँ, यहाँ पे दोस्तों आपको एडसेंस लिखना पड़ता है, ठीक है, tripledoubleadsense.com, ठीक है, adsense.com, यहाँ पे दोस्तों लिख के यहाँ पे इसको क्लिक कर दीजिए, सर्च कर दीजिए। उसके बाद दोस्त यहाँ पे देख लीजिए, सबसे नीचे आप आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है गूगल एडसेंस, मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये वाला जो पोर्शन है, ये इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यही सेम प्रोसेस आपको करना है, जब आपको ये पिन आ जाए, तो पिन आ जाए उसके बाद सारा प्रोसेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके जो पिन कैसे मंगवाना है सारा तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, जब यूट्यूब पर वीडियो बनाऊंगा सारा चीज़ ए टू जेड एकदम बेसिक से बताऊंगा, एकदम शुरुआत से, ठीक है। अभी फिलहाल ये देख लीजिए, भविष्य में आपको काम आने वाला है, ठीक है दोस्त। यहाँ पे देख लीजिए ये खुल गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जब आपका ये हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे देखिए एक मेरा यहाँ पे आया हुआ है, ये देख लीजिए लिखा हुआ है कि वेरीफाई योर बिलिंग एड्रेस। दोस्तों ये आपको एड्रेस वेरीफाई करने के लिए भेजता है, ठीक है, तो इसको वेरीफाई करना होता है, ठीक है। अब क्या करना होता है देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है वी मेल्ड यू ए पिन 18 नवंबर। दोस्तों 18 नवंबर को ये पिन मेल किया गया था, ठीक है। अब मिला है मुझे कल, यानी कि दोस्तों कल जो डेट था 30 नवंबर था, यानी कि 12 दिन में ये पिन मुझे मिल गया है। यहाँ पे लिखा हुआ था दोस्तों कि इट शुड टेक 2 से 4 वीक्स, यानी 2 से 4 हफ्ते लग सकते हैं, लेकिन ये 12 दिन में मुझे मिल गया, तो बहुत जल्दी मिल जाता है अगर एड्रेस आप सही भरोगे, एड्रेस अकाउंट जब बनाओगे उसमें एड्रेस आप सही डालोगे तो ये आपके एड्रेस पर पहुँच जाता है। अगर एड्रेस पर नहीं पहुँचता है दोस्तों तो मैं आपको बताना चाहूँगा, तीन बार आपको ये मौका देता है, तीन बार अगर आप भेजते हो ये पिन मंगवाने के लिए फॉर्म भरते हो नहीं आता है तब क्या करता है ये आपको ऑनलाइन ये फिर वेरीफाई करता है, आपके जो ईमेल एड्रेस है उस ईमेल पे करता है, ठीक है। लेकिन ये जनरली चल ही आता है, आपका एड्रेस सही रहेगा तो आ जाता है। यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, वेरीफाई योर एड्रेस भाई इंटरिंग द पिन नंबर। अब जो मैंने आपको पिन अभी दिखाया था वो पिन डाल करके मैं एड्रेस वेरीफाई करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपली देख लीजिए लिखा हुआ है वेरीफाई, देख सकते हैं आप, है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है वेरीफाई, मैं आपको दिखाना चाहूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पे दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे वेरीफाई पे, आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये ओपन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों करना क्या है ये देख लीजिए, नीचे आना है दोस्तों, यहाँ पे मेरा आइडेंटिफिकेशन हो गया है। दो चीज़ वेरीफाई करता है ये, ठीक है, एक तो आइडेंटिटी वेरीफाई करता है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है, सॉरी पैक हो गया था दोस्तों, ये जो है आइडेंटिटी, ये कंप्लीट हो गया है। तो आइडेंटिटी के लिए आपको सिर्फ आपका जो पैन कार्ड है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ता है, यानी कि आपको देखता है कि फेस आप ही का है कि दूसरा कोई का है, ये आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हो गया। एड्रेस के लिए दोस्तों यहाँ पे ये पिन भेजा है, सिंपली ये पिन हमको डालना है। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर जो मेरा पिन है वो मैं इंटर कर रहा हूँ, वैसे पिन तो मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है, तो ये जो पिन नंबर है ये मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे इसको डाल दिया हूँ, उसके बाद दोस्तों एक बार मिला लेना है, ठीक है, एक बार मैच कर लीजिए कि वो गलत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ये तीन बार मौका देगा, लिखा है कि यू हैव 3 अटेम्प्ट्स रिमेनिंग, ये तीन मौका आपको देगा दोस्तों, ठीक है, तीन मौका देगा, तीन मौके के बाद अब ये गलती करते हैं तो भैया फिर जो है ये इनवैलिड हो जाएगा, इसलिए ध्यान से भरना है। तो मेरा जो पिन है मैं थोड़ा देख लेता हूँ एक बार, थोड़ा लेट ही हूँ, ठीक है। अब उसके बाद सबमिट यहाँ पर देख रहे हैं, ये सबमिट, इस सबमिट पर क्लिक कर देना है दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कंप्लीट लिखा गया, यानी कि मेरा एड्रेस जो वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए योर पेमेंट आर ऑन होल्ड बिकॉज यू नीड टू वेरीफाई योर एड्रेस। अब यहाँ पे दोस्तों ये तो हो गया है, अब यहाँ पे जैसे ही थोड़ा देर के बाद ये मैसेज आना बंद हो जाएगा, ठीक है, ये मैसेज देता है, ये मैसेज आना कुछ देर के बाद ये अपने आप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे थोड़ा हम रिफ्रेश भी इसको कर देते हैं ताकि जो है, ठीक है दोस्त। तो चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा बैक हो जाता हूँ अब, क्योंकि मेरा ये तो काम हो गया है, मेरा वेरिफिकेशन हो गया है, ठीक है, यही प्रोसेस है दोस्तों, यही आपको भी करना होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दिया है दोस्तों समझ में आ गया है। दोस्त अभी कंफ्यूजन कुछ है माइंड में, कुछ है दिक्कत आ रहा है, कुछ दिक्कत आपको ये लग रहा है कि सर कैसे और हुआ, कुछ जानकारी और लेना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं बताऊंगा। जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी समस्या हो, मेरे चैनल के माध्यम से उसका सोल्यूशन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो कोई दिक्कत अभी भी आ रहा है इससे रिलेटेड, जो मैंने आज वीडियो बनाया है उससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मैं आपके प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करूंगा।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तो इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कीबोर्ड 91।